नंबर 15। फ्रेंड्स, हम जब डॉक्टर के पास कोई इंजेक्शन लेने के लिए जाते हैं तब दर्द तो होता है, लेकिन इस दर्द के बाद जब इंजेक्शन को निकाल दिया जाए तो वहाँ पर एक छेद बन जाता है और वो जगह माइक्रोस्कोपिक फोटो में कुछ ऐसी दिखाई देती है। नंबर 16। दोस्तों ये देखिए, ये एक मक्खी है और इस मक्खी की आंखों को जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करें तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, और ज्यादा जूम करें तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। नंबर 17। दोस्तों ये देखिए, इस इमेज में आपको क्या दिखता है? आप कहेंगे कि ये कोई कांटेदार चीज दिखाई देती है, लेकिन ये कांटेदार चीज नहीं है, ये दरअसल एक मक्खी की आंख है। ये देखिए, इस मक्खी की आंख को जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम किया जाए तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगी। नंबर 18। अच्छा दोस्तों, चलिए अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। आपका ये जो दांत है उसे अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैल्शियम से बने इन दांतों में देखिए ना दोस्तों, कितने सारे खड्डे हैं, और ऐसे ही खड्डे, ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ कुछ हद तक हमारे बोन्स का भी होता है। नंबर 19। अच्छा दोस्तों, आप जिस पेन से रोज लिखते हो, क्या आप उसका पॉइंट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना चाहेंगे? तो फ्रेंड्स, पेन का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पॉइंट ऐसा दिखाई देता है, और यही बॉल घूम घूम कर स्याही को पेपर पर लिखता रहता है। नंबर 20। दोस्तों आपने रेत, ये जो सैंड है, वो तो देखे ही होगी ना। सैंड या रेत जब हम हाथ में लेते हैं तब हमें ऑलमोस्ट उसके सभी मॉलिक्यूल्स एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, सैंड को जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम किया जाए तो वो ऐसी दिखाई देती है। ये सैंड्स कुछ ऐसी दिखती है दोस्तों, जैसे मानो बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल्स या स्टोन इकट्ठे कर दिए जाए और उसका कोई कॉम्बिनेशन बना दिया जाए। नंबर 21। दोस्तों इंसान की किडनी में जब कोई स्टोन फंस जाए तो वो बहुत ही दर्द करता है, लेकिन जब इस स्टोन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम किया जाए तो वो स्टोन कुछ ऐसा दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, इतना नुकीला और इतना दर्दनाक होता है ये स्टोन, इसीलिए ये बहुत चुभता है। नंबर 22। दोस्तों आपको तो पता है ये दुनिया एटम से बनी है, आप, मैं, हम सब, ये सब कुछ एटम से बना है, लेकिन इस एटम को जब देखना हो ना तो माइक्रोस्कोपिक लेवल भी काम नहीं आता, हमें उससे भी पावरफुल इक्विपमेंट चाहिए किसी एटम को देखने के लिए। और दोस्तों इन मर्यादाओं को तोड़कर वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन एटम की भी तस्वीर ली है, और ये तस्वीर यानी कि हाइड्रोजन का एटम कुछ ऐसा दिखाई देता है। नंबर 23। अब दोस्तों इस इमेज को देखिए आप, यह है इंटेल के प्रोसेसर का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा टुकड़ा, और इस टुकड़े को अल्ट्रा लेवल पर जूम किया गया है, और इसमें आपको ये जो छोटे छोटे छेद दिखते हैं उन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है, और इन छोटे से टुकड़े में लाखों ट्रांजिस्टर्स होंगे, यकीन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इंटेल का जो i7 प्रोसेसर है उसमें 2.16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और किसी प्रीमियम फोन में 5.5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रांजिस्टर्स की ये दुनिया कितने छोटे लेवल पर होती है, और इसलिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर और उनको जो बनाती है वो चिप दुनिया में बहुत ही कम देश ही बना पाते हैं। नंबर 24। दोस्तों क्या आप जानते हैं पानी के भीतर कितने जीवाश्म होते हैं? तो ये देखिए, पानी की एक बूंद को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करके देखा जाए तो उसकी ये रियल तस्वीर ऐसी दिखाई देगी। और हमारे घरों में हमारी कई चीजों के ऊपर और हमारे फर्नीचर के ऊपर जो धूल होती है उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखे तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। उस धूल में, उसके भीतर जो भी जीवाश्म है, जो भी जीवाणु है और जो भी दुनिया है, वो असल में ऐसी है। नंबर 25। अब दोस्तों चलिए हम देखते हैं कॉइन को। कॉइन जो किसी भी धातु का हो, वो हमें छूने पर तो सपाट दिखाई देता है, लेकिन उस कॉइन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये अंदर से बहुत ही उबड़ खाबड़ होता है, जैसे कोई खाई ना हो, और ऐसी बहुत सारी खाइयां कॉइन पर बनी होती है। अच्छा आप ये तस्वीर देखिए, ये आपको क्या लग रहा है? आप जरूर कहोगे कि ये कोई पहाड़ी विस्तार है जहां पर ये खाई बनी हुई है, लेकिन ना तो ये कोई पहाड़ी विस्तार है और ना ही ये कोई खाई है, ये दरअसल स्टील की धातु का एक कॉइन का माइक्रोस्कोपिक फोटो है। नंबर 26। चले फ्रेंड्स अभी देखते हैं नमक को, जिसे हम रोज खाते हैं। नमक के रज कणों को जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। नंबर 27। अब फ्रेंड्स, जो हम कॉफी पीते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ ऐसे दिखती है। ये स्पेसो कॉफी का एक क्रिस्टल है जो कि दिख हमें गोल्डन रहा है, और शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि कॉफी का एक रज ऐसा दिखता है। नंबर 28। अभी दोस्तों गिटार तो आपने देखा ही होगा, कई बार बजाया भी होगा, लेकिन दोस्तों जब गिटार की स्ट्रिंग हम बजाते हैं वो हमें जो फील होती है, जिससे तरंग निकलती है, वो दरअसल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ ऐसे दिखाई देती है। नंबर 29। अच्छा दोस्तों अब ये देखिए आपकी टी शर्ट की एक माइक्रोस्कोपिक इमेज। जो हम टी शर्ट पहनते हैं उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखे तो बहुत सारे धागे से बना ये एक जुड़ाव हमें लगता है। एंड लास्ट नंबर 30। चले दोस्तों अब ये देखिए, ये एक टेबल पुल है, और टेबल पुल पे जो बॉल होते हैं वो कितने एकदम चिकने होते हैं ना,
लेकिन उसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज ये देखिए, वो चिकने बॉल भी अंदर से बहुत ही उबड़ खाबड़, बहुत ही बड़ी दरारें वाले और एक के ऊपर एक थर जैसे दिखाई देते हैं।